नेपाल के बारा जिला के बरियारपुर गांव में माँ गरी माई के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध और 50 साल पुराना एक मंदिर है। आप यहाँ पे आके जो भी इच्छा है आप पूर्ण कर सकते। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते बिहार ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि दोस्तों आज का जो है टूर बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हम लोग नेपाल जा रहे हैं और नेपाल में काफी ज्यादा दोस्तों एक्सप्लोर करने वाले। इसलिए बोलता हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के टूर पर हमेशा जाता रहता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी नेपाल गया था और आज भी मैं नेपाल जाने वाला हूँ। और अगले महीना में हम लोगों को लगभग एक महीना का टूर होने वाला है, वो भी उत्तराखंड का, तो बहुत खास होने वाला है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको मिल जाए, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास होता है कि मैं आपको वहाँ के हर एक चीज़ के बारे में बढ़िया से एक्सप्लोर करके बताऊँ और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ को दिखाता हूँ। इससे क्या होता है कि आपको जो है वहाँ के बारे में जानकारी मिलता है, आप जब भी नेक्स्ट टाइम जाते हैं तो आपको किसी प्रकार का परेशानी नहीं होता है। देख सकते हैं दोस्तों हम अपने घर के टोल प्लाजा को पार कर रहे हैं, जस्ट मेरे घर के बगल में ये टोल प्लाजा है, बैटी टोल प्लाजा, इसको पार कर। तो दोस्तों अभी हम लोग जहाँ से घर के थोड़े दूर आने के बाद अभी पेट्रोल पंप पर रुके हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे पेट्रोल पंप, बिहार का पेट्रोल पंप उस प्रकार से होता है। तो हम लोग यहाँ पर तेल लेने के लिए रुके हैं, तो तेल ले लेते हैं, फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं, क्योंकि तेल ले लेंगे तो फिर निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि नेपाल में जाने के बाद जो है सिम बंद हो जाता है, तो ऑनलाइन का सिस्टम वहाँ बिल्कुल बंद हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग देख सकते हैं पीछे को बिरयानी के दुकान पर रुके हैं, क्योंकि काफ़ी दूर आ गया है, लगभग मोतिहारी के पास में पहुँच ही गए हैं। उसके थोड़ा सा खाना वगैरह खा ले, क्योंकि घर से एकदम खाना खा के निकले नहीं, बिल्कुल सवेरे निकल गए थे, सुबह सुबह ही निकल गए थे, क्योंकि काफ़ी दूर जाना था। मुजफ्फरपुर से डायरेक्ट हम लोग मोतिहारी जा रहे हैं, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे तो फिर बॉर्डर पार करके नेपाल में एंट्री करेंगे। हम लोग बिरयानी वगैरह खा लिए हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ा सा गाड़ी को भी राहत मिल गया, क्योंकि लगातार 100 किलोमीटर से गाड़ी चल रही थी। और ग्लैमर गाड़ी से ही हम लोग आ गए हैं, ज़्यादा ट्रेवल वाली गाड़ी तो नहीं है, लेकिन मेरे पास यही गाड़ी है, तो सोचे चलिए इसी से फिर नेपाल घूम लिया जाए। तो गाड़ी को भी राहत मिल गया है, काफ़ी इंजन गर्म भी हो गया था, थोड़ा सा इसको भी राहत मिल गया है, और पेट पूजा भी हो गया है, भूख भी बहुत कसे लगा हुआ था, क्योंकि घर से खा के तो निकले नहीं थे। अभी यहाँ से मोतिहारी थोड़ा दूर है तो निकल दे। तो चलिए दोस्तों हम लोग काफ़ी लेट हो गया, लगभग 3 बज गया, हम लोग सुबह 10 बजे निकले थे, और मेरे पीछे देख सकते हैं रक्सौल बॉर्डर है, और हम लोग अभी रक्सौल बॉर्डर को पार करने वाले हैं। और तो अब हम लोग जो है बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं, देख सकते हैं बहुत खूबसूरत गेट बनाया गया है, ये रक्सौल बॉर्डर है। और पिछले बार हम लोग गए थे तो भिट्ठा मोड़ बॉर्डर से गए थे, और इस बार जो नेपाल जा रहे हैं तो हम लोग रक्सौल बॉर्डर से जा रहे हैं। देख सकते हैं इधर गार्डन वगैरह भी बनाया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत। इधर जो है प्रशासन जो है चेक कर रहा है लाइसेंस है कि नहीं है, यहाँ पे चेक करवाते हैं आपको। चलिए दोस्तों हम लोग बॉर्डर पार करके उसके बाद हम लोग भंसार कटवा लिए, भंसार कटवाने के लिए आरसी अंदर में लेते हैं, और मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ से पहले पर्ची कटवाना होता है, पर्ची फिर अंदर देकर और कंप्यूटर पर चढ़ा के फिर प्रत्येक दिन का यहाँ पे 200 रुपये लेते हैं, नेपाली में 200 रुपये लेते हैं, वही समझिए कि इंडियन में 120 रुपये के आसपास हो गया, 125 रुपये, क्योंकि इंडियन 100 रुपये यहाँ का 150 हो जाता है। माँ के दरबार के पास में आ गए हुए हैं, और हम लोग जो है से अपना स्टे रूम भी ले लिया है, देख सकते हैं अभी हम रूम के बाहर में खड़े हैं, और ये हमारा रूम जो है से 2 मंजिले पे मिला है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से व्यू कितना सुंदर लग रहा है, सामने देख सकते हैं दोस्तों यही गरी माई मंदिर है, जिसके दर्शन करने के लिए काफ़ी देश विदेश से लोग आते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से व्यू कितना प्यारा लग रहा है, और सामने इधर देख सकते हैं तालाब है यहाँ से, और तालाब के चारों ओर काफ़ी प्यारा पौधा लगाया गया है, और इधर मंदिर है और मेला भी लगा हुआ है। अभी अभी 2 दिन बचा हुआ है मेला का, हम लोग 2 दिन पहले ही आ गए हैं, यहाँ पे 15 तारीख को मेला लगता है, लेकिन हम लोग 2 दिन पहले आ गए हैं, इसके वजह से जहाँ से अभी उतना भीड़ नहीं है। तो देख सकते हैं खाने में क्या क्या मिला हुआ है, यह देखते हैं, इसमें चिकन है, इधर दोनों आदमियों के लिए अलग अलग चिकन मिला है, रोटी है, और साथ में गाजर है, और 2-3 बोतल पानी मिला है, तो हम लोग को आज यही खाना है। और इसका हमें जो प्राइस मिला है
नेपाली में इसका 150 रुपया पड़ा है रोटी के साथ, मतलब सारे जो है 150 रुपया पड़ा है, दो आदमी है तो 150 दुना 300। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ। और अभी सुबह हो गया है, 8 बज गया है और हम लोग नहा धोकर रेडी हो गए हैं, अब निकल रहे हैं पूजा के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सुबह सुबह यहाँ से मंदिर का व्यू किस प्रकार से दिखाई देता। तो देख सकते हैं दोस्तों, सुबह सुबह का कुछ इस प्रकार के चहल पहल है, मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, चारों तरफ कोहरा लगा हुआ, उतना साफ तो दिख नहीं रहा। लोग नीचे आ गए हैं प्रसाद का सामान वगैरह लेने के लिए, देख सकते हैं मेरे पीछे है, और हम लोग जिस रूम में ठहरे थे उन्हीं का अपना शॉप है नीचे। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने पूजा का सामान ले लिया है अलग अलग, हम दो आदमी हैं तो अलग अलग ले लिए हैं और जा रहे हैं पूजा के लिए। और अभी थोड़ा सा यहाँ से गेट पर हम लोग को फूल लेना है क्योंकि फूल वहाँ पे चढ़ता है। तो चलिए पहले हम लोग फूल यहाँ से ले लेते हैं, फूल वगैरह ले लेते हैं और फिर ऊपर चलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, मेरे सामने माता का मेन गेट है, हम लोग इसी से अंदर जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग माता के दरबार में जा रहे हैं, माता को प्रणाम करके फिर ऊपर चलते हैं। और सामने देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको एक बार चारों तरफ यहाँ का व्यू करके दिखाता हूँ। देखिए वो ढो रहा है, मेरा भी प्रसाद लेकर चल रहा है। तो चलिए हम लोग गर्री माई का पूजा करते हैं पहले। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पंडित जी से थोड़ा बहुत यहाँ के विशेषता के बारे में जान लेते हैं। तो नमस्कार पंडित जी, तो यहाँ के क्या विशेषता है और यहाँ पर क्या ऐसी बात है और कितना पुराना यहाँ पर मंदिर है, यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे। बहुत दिन पुराना मंदिर है। कितना दिन हो गया? 50 वर्ष से ऊपर। 50 वर्ष से ऊपर है ये, बहुत पुराना। भगवान चौधरी का ये जो ये थी पहले का तीन बड़े वाला मंदिर है जी। ये जो माता का ये मूर्ति है प्रतिमा जी, तो ये माई माई को जो भी मनोकामना पूर्ण होता है, जो भी श्रद्धालु भक्त आता है जी, तो जो भी दिल से मांगता है, दिल से मांगता है कि हे माई हमको पुत्र नहीं है, हमको ये चाहिए वो चाहिए जी, तो उनका मनोकामना पूरा होता है। तो कोई खांसी भगता है, कोई भैंसा भगता है, कोई पर्यावरण उड़ाने को बोलता है न। पंडित जी, यहाँ तो हम आए थे एक बार, तो यहाँ पर हम देखे थे कि लाखों लाख यहाँ पर परा चढ़ाया जाता है, ऐसा क्यों? ऐसे जिसका मनोकामना पूर्ण होता है, जिसके कोई वंश हो जाता है, वो भाग के जाता है कि हम बात आएंगे तो हमारा लड़का हो जाएगा, जब तो पुत्र हो जाएगा तो हम आके भैंसा चढ़ाएंगे, तो मेला में ले आकर के बलि देता है। तो अभी बलि चढ़ता है? अभी नहीं चढ़ा, 5 साल पहले 5 बलि चढ़ता है। अच्छा 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 5 बलि में पहले मूस चढ़ता है जी, उसके बाद में ये भैंसा चढ़ता है, उसके बाद में बोका चढ़ता है, यही सब 5 बलि मैंने पहले चढ़ता है। अच्छा, आप यहाँ कितने दिन से रहते हैं? हम तो यहाँ 30 वर्ष से ऊपर। 30 वर्ष रहते हैं मंदिर का, ये 50 साल 50 से ऊपर हो। तो ये गर्री माई को काली स्वरूपा माई भी बोला जाता है ना? बोला काली स्वरूपा इसलिए बोला जाता है कि काली माई को ही बलि चढ़ता है। तो ये बता दे, पंडित जी कह रहे हैं कि ये गर्री माई के नाम से जाना जाता है जो काली स्वरूपा माता है, और यहाँ पे जिनकी भी मनोकामना सिद्ध हो जाता है, यहाँ पे लाखों की संख्या में परवा उड़ाया जाता है। तो अभी तो नहीं है, मतलब अगले साल 5 साल में इनका मेला लगता है, 5 वर्षीय मेला यहाँ लगता है, लेकिन अभी 5 साल पूरा नहीं है। नहीं तो यहाँ पे चारों तरफ मतलब परवा से पूरा भरा हुआ रहता है मंदिर, और यहाँ पे बकरे का और क्या पारा का मतलब बलि दिया जाता है, क्योंकि पंडित जी कह रहे हैं कि जिनकी भी मनोकामना सिद्ध हो जाती है तो वहाँ पे लाके एक यहाँ पे बलि देते हैं। और इस यहाँ पे है कि जितना दूर में सीमान है इस गांव का, बरियारपुर ना पंडित जी, बरियारपुर गाँव के जितने दूर में सीमान है, पूरे सीमान में कहीं भी बलि दे दिया जाता है।
क्योंकि हम एक बार इससे पहले आए थे तो जहाँ सीमान के अंदर में कहीं भी बलि, और एक और यहाँ का विशेषता है कि जो भी बलि चढ़ता है उसका मांस यहीं पे ख़त्म करना होता है, मतलब प्रसादी के रूप में लोग खा जाते हैं उसको या गार भी देते हैं। हाँ हाँ, या गार भी जाते हैं, घर में जो परिवार रहता है वो सब खा लेता है। क्योंकि हम लोग जब आए थे तो यहाँ पर जब खसी चढ़ा था तो क्या है कि जो मतलब सभी लोग यहाँ पे बना के उसको खाए थे, मतलब सीमान पार नहीं करना होता है। तो दोस्तों जैसे कि पंडित जी बता रहे हैं कि जो भी यहाँ बलि चढ़ता है इस सीमान से बाहर नहीं जा सकता है, या तो उसको खाया जाता है या उसको इसी धरती में गाड़ दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये जानकारी आपको जान के शायद अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं, अपनी मनोकामनाओं को अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो एक बार गरीब माई धाम यहाँ पे जरूर आइए। ये बारा जिला है ना, नेपाल के बारा जिला के बरियारपुर गाँव में माँ गरीब माई के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध और 50 साल पुराना एक मंदिर है। आप यहाँ पे आके जो भी इच्छा है आप पूर्ण कर सकते हैं। आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये जानकारी बहुत हेल्पफुल होगा, आप लोग अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए। तो दोस्तों, आपने देखा पंडित जी कैसे बता रहे थे यहाँ के बारे में कि गरीब माई के नाम से प्रसिद्ध नेपाल के बड़ा गाँव जिला के बरियारपुर में स्थित ये भव्य और दिव्य मंदिर आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा दोस्तों। और ये कहा जाता है यहाँ पे कि हर 5 साल में एक बार मेला लगता है, यानी पंचवर्षीय मेला लगता है, खिचड़ी का मेला है। हम लोग उसी में आए हैं तो देख सकते हैं मेरे पीछे खिचड़ी का मेला में भी काफ़ी श्रद्धालु लोग आए हैं, लेकिन जब पंचवर्षीय मेला लगता है तो यहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु लोग आते हैं। मैं भी आया था, यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होता है दोस्तों। और पंडित जी बताएं कि जैसे यहाँ पे 5 बलि दिया जाता है, जैसे अंडा हो गया, खसी हो गया, और पारा भी यहाँ पे चढ़ता है, और कबूतर करोड़ों की संख्या में आप इस मंदिर को देख रहे हैं। इस पे थोड़ा सा भी जगह नहीं रहता है, पूरा कबूतर से भरा हुआ रहता है, यानी कबूतर को यहाँ पे जिंदा मतलब छोड़ दिया जाता है और सारे कबूतर ही मंदिर पे आके बैठा जाता है। और ये कहा जाता है कि जो गरीब माई काली स्वरूपा रूप है, यानी काली जी का एक रूप है जो यहाँ पे अवस्थित है, और यहाँ पे देश विदेश से काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी यहाँ पर आइए, यहाँ पर वही लोग जो बलि चढ़ाते हैं, बलि यहाँ पर दिलवाते हैं, जिनकी सारी मनोकामनाएँ माँ गढ़ी पूरा कर देती है।